नीले आसमान पर सफेद उड़ते पंछी, समंदर का सीना चीरती रोजगार की तलाश में मगन कश्तियां और जहाज, और समंदर की रखवाली पर मामूर काबिल जवानों का दस्ता। मुल्क के कोने कोने में ऐसी दास्तानें रकम है क्योंकि अपना देश आजाद है। आजाद वतन का ख्वाब आज से 76 बरस पहले देखा गया था, जिसे मनाने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कश्ती रानी का मुकाबला मुनक्किद किया। तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है और बोट्स समंदर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेस में 15 कश्तियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें मनोड़ा से केमाड़ी तक सबसे पहले पहुंचना था। रेस शुरू हुई और हर कश्ती का नाखुदा अपनी सलाहियत के मुताबिक इसे पार लगाने में जुट गया। नाखुदा गुल्लू की कश्ती शान आगे निकल गई। नाखुदा शाहिद और नवीद की अलफता और अल हुसैनी नामी कश्तियों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। शान बोट के नाखुदा गुलू। किनारे पर इनामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डीजी कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अतीकुर रहमान ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए और अपने खिताब में यौम पाकिस्तान की अहमियत और रेस के मकसद को उजागर किया। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची।